योना भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय दो। योना भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय दो। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा कि मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की थाह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंग और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। मैंने कहा कि मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूं, तो भी तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। मैं जल में से यहां तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकल जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं, परंतु मैं उच्च शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। मैंने जो मन्नत मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है और यहोवा ने मगरमच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया।